आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ क्वाइन इज प्लेस्ड ऑन द ग्रामोफोन। ठीक है, एक क्वाइन है जो कि प्लेस किया गया है ग्रामोफोन पे, रिकॉर्ड एट अ रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 आरपीएम पे वो ग्रामोफोन क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। मान लेते हैं कि ये ग्रामोफोन देखे होंगे एकदम बहुत पुराना सा होता है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ऐसा करके कुछ मैं वेट एक मिनट बनाता हूँ, ये नहीं बन रहा है लग रहा है, ये ऐसा करके यहाँ पे एक ऐसे करके पिन यहाँ पे रखते हैं और ये एकदम बहुत एकदम अजीब सा म्यूजिक बजता है। ठीक है, ऐसा होता है ग्रामोफोन। तो एक क्वाइन कर रहे हैं, क्वाइन प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रामोफोन पे। इट फ्लाइज अवे व्हेन द रोटेटिंग व्हेन स्पीड ऑफ 50 आरपीएम। अगर यही 50 आरपीएम पे अगर ये स्पीड से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि फ्लाई कर जा रहा है। ठीक है, इफ टू सच क्वाइन आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर, अगर दो सच क्वाइन प्लेस कर रहे हैं ऑन द सेम रिकॉर्डर, बोथ ऑफ देम विल फ्लाई अवे व्हेन रोटेटिंग इज स्पीड। तो कितना स्पीड से अगर रोटेट करेगा जो कि दोनों क्वाइन, तब फ्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ओमेगा से ग्रामोफोन क्या हो रहा है कि घूम रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप क्वाइन रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वाइन रखें और क्वाइन का मान लेते हैं कि मास कितना है, एम है। ठीक है, क्लियर बात है, मास एम है, क्वाइन का मास क्या है, एम है। और ये क्या है कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि इसमें कितना कौन इसमें प्रोवाइड कर रहा था, इधर फ्रिक्शन इस पे घूमने को, अगर ये इस सर्कल पे घूम रहा होगा तो इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, कितना फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स कितना प्रोवाइड कर रहा था, ये एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इतना प्रोवाइड कर रहा था ये एक्चुअली 50 आरपीएम पे जब ये रोटेट कर रहा था। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि फेंका जा रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ कि फ्लाई अवे, मतलब कि ये दूर दूर चला गया। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, ये हो जाएगा 2πn लिख सकते हैं। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। ठीक है, और ग्रामोफोन में क्या होगा कि ये अगर सिक्का आप रखे हैं, नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा इसका म्यू इंटू एम जी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अगर मैं कंडीशन बनाऊँ, कंडीशन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको फ्लाई होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए, कब, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है तभी फेंका रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस करता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए जबकि वो रहे। अब हमें यहाँ पे ये फेंका जाए मतलब क्या हो जाए कि ये ज्यादा हो जाए फोर्स। ठीक है, म्यू एम जी से, तो यहाँ से हमारा ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाता है, ये आता है ग्रेटर देन म्यू जी आर हो जाता है, म्यू इंटू जी आर आ जाता है। क्लियर बात है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे डबल सिक्का लग रहे थे। ठीक है, यानी कि मास एम को 2m बना रहे थे, मास बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ओमेगा कितना हम यहाँ स्पीड से घुमाए, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ताकि ये दोनों क्वाइन जो है फेंका जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा किस पे डिपेंड हो रहा है, डिपेंड ऑन म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आर रेडियस। ठीक है, जो कि तीनों यहाँ पे सेम है, तीनों यहाँ पे सेम है, क्या बदल रहा है यहाँ पे, सिर्फ मास बदल रहा है, जिसपे कि डिपेंड नहीं कर रहा है, नॉट डिपेंड अपॉन मास, नॉट डिपेंड ऑन मास। ठीक है, तो हमारा ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बात है, ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 50 आरपीएम जो होगा इसका स्टिल आंसर होगा। आप 50 आरपीएम पे चाहे कितना भी मास रख लीजिए, 50 आरपीएम पे आप घुमाओगे, फ्रिक्शन नहीं बदल रहे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं बदल रहे हो, तो वो मास फेंका जाएगा। ठीक है, 50 आरपीएम पे घुमाने पे, तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।